तो हम लोग पढ़ रहे थे डेटा वैलिडेशन ना, जावास्क्रिप्ट में कैसे हम लोग डेटा को वैलिडेट करते हैं वो चीज, ठीक है, देख रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला बता देते हैं, कैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे सबलाइम में लिख रहे थे या नोटपैड, सबलाइम प्रोग्राम था हमारा, ये था प्रोग्राम। और मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस लाइट को, ये वाला लाइट ऑफ कर दो, यहां से होगा, देखना प्रोजेक्टर बंद ना। तुम क्या कर रहे हो जी मोबाइल, लॉगिन क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पर मोबाइल रखो, अभी स्क्रीन शॉट अभी नहीं लेना है, मोबाइल बंद करो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, मैंने आपको बताया था कि क्या यूज करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फर्स्ट क्लास किसका था आप लोग का? अच्छा, जी
तो ये मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप चाहते हैं कि एक डिजिट कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम लोग एटलीस्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ठीक है डॉट स्टार ठीक है। अब इसमें से 0 to 9 में से मिनिमम यानी एटलीस्ट एक डिजिट आपको देना जरूरी है ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं कोडिंग में और पासवर्ड जहां हम लोग लिखे हैं वहां पे चलते हैं। ये था पासवर्ड। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे लिखना है ठीक है। एक को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और मोबाइल एम्प्टी के बाद नहीं पासवर्ड एम्प्टी के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया और यहाँ पर पी नेम दे दिया। यहाँ पर भी यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया ठीक है। अब यहाँ पर एक मैसेज दे दिए पासवर्ड एटलीस्ट 1 digit ठीक है, 1 alphabet upper alphabet 1 lower alphabet अल्फाबेट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। यहां पर पीएनएम है, पीएनएम मैंने दे दिया। अब आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो पैरेंथेसिस क्या लिखना था। पैरेंथेसिस में क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार इक्वल टू डॉट स्टार और पैरेंथेसिस में लिखना था ना या स्क्वायर ब्रैकेट में था। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर दे दिया कैपिटल ए टू जेड दे दिया राइट ठीक है। चलिए अब इसी को आप कॉपी करो कंट्रोल सी फिर मैंने दे दिया कंट्रोल की यहाँ पे स्मॉल में दे देंगे। आगे बढ़िए कंट्रोल ई 0 to 9 ना 0 to 9 इसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर के लिए बढ़िए। स्पेशल कैरेक्टर के लिए backslash capital W और underscore ना underscore। ये तो हो गया एटलीस्ट के लिए और उसके बाद तो यूजर नेम क्या कर सकता है, सारा कैरेक्टर्स मतलब पासवर्ड कुछ भी दे सकता है जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए तो सारे स्पेशल कैरेक्टर को स्क्वायर ब्रैकेट में दे दो
सारे स्पेशल कैरेक्टर को, सारे स्पेशल कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर सेट को दे दो, तो सारे कैरेक्टर सेट को देने के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू और अंडरस्कोर। नहीं अब अंडरस्कोर के उसमें तो स्मॉल डब्लू में अंडरस्कोर है ही। अगर तुम पासवर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं दिए हो कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए या एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, तब तो यहाँ पर प्लस यूज करेंगे ना। क्या यूज करेंगे? प्लस यूज करके बन गया जैसा जो मैसेज आप लिखे हैं। पासवर्ड एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, 1 अपर अल्फाबेट होना चाहिए, 1 लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और ऐसा मैंने नहीं दिया है कि पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगर 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए तो प्लस हटाकर क्या कर देंगे? 10.50 लिख देंगे ना। चलिए अब इसको सबसे पहले चेक कर लिया जाए। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करा रहा हूं। ये फाइल हमारा है, डेस्कटॉप पे होगा, डेस्कटॉप पे आप चलो माई क्लास, यहाँ पे इमेज ऑनलाइन। PSCIT ये हो गया, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। और जो तुम बोल रहा था कि सर वहां शो करना, ये मैसेज अलर्ट नहीं करना चाहिए, वहीं पे रेड कलर या ग्रीन कलर का आ जाना चाहिए। अगर सही है तो ग्रीन कलर और ट्रिक लग जाना चाहिए ना, वही ना आप कर रहे थे। तो अभी हम इवेंट नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने BCA AKU में बताया है वो प्रोग्राम। मैं उस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सीनियर लोग का उसमें वैसा उन लोग को बताया था, लेकिन अभी मैंने जावास्क्रिप्ट में इवेंट को हैंडल करना नहीं बताया है। तो मैंने यहाँ पर नेम दिया, रजिस्टर। इनवैलिड यूजर नेम, क्या था यूजर नेम का दिया हुआ? 8 कैरेक्टर था तो दे दिया मैंने। ठीक है, रजिस्टर पासवर्ड एटलीस्ट 1 डिजिट 1 अपर अल्फाबेट। तो डिजिट तो मैंने दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया अपर अल्फाबेट दे दिया, और एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिया। अभी स्मॉल नहीं दिया है तो नहीं होना चाहिए, स्मॉल में भी दे दीजिए। ठीक है, दे ली, आ गया ना। अब वही एक क्वेश्चन है आप लोग का कि सर ये जो मैसेज अलर्ट कर रहा है राइट साइड में यहीं पे आ जाना चाहिए, अगर जो मैच नहीं करे तो इनवैलिड नेम या इनवैलिड यूजर नेम, अगर सही है तो या ट्रिक लग जाना चाहिए, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम इवेंट पे बताएंगे, लेकिन इसमें एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है उन लोग को। माई क्लास में चलो, माई क्लास में सीमेज ऑनलाइन AKU बैच 1
जावास्क्रिप्ट बताए थे उस तरह से बच्चा बनाया था, इसमें जो देखना पड़ेगा देखते हैं कहीं वैलिडेशन करके है। नहीं मिल रहा है, देखेंगे बताएंगे, इवेंट में बता देंगे। चलिए, तो ये था वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां मुझे जरूरी होगा वहां पे वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है, वो चीज। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग देखने जा रहे हैं। आप सी में भी स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़े हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी स्ट्रिंग हैंडलिंग का वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका सोर्स कोड दिखाएगा, सोर्स कोड इसका ये है, आप यही यूज किए हैं, बाकी तो प्रीवियस क्लास में आप लिए ही होंगे, केवल पासवर्ड वाला ये रहा।
सेल सर स्टार्टिंग मेरा पासवर्ड और मोबाइल का वर्क नहीं कर रहा है सर। क्या सर मेरा पासवर्ड और मोबाइल का वर्क नहीं कर रहा है? नहीं वर्क कर रहा है तो देखो कहीं गलती किया होगा सर। स्टार्टिंग इंस्पेक्ट में भी जाकर करते हैं सर तो नहीं कुछ भी ये नहीं शो करता है। इसको प्रॉब्लम है हम क्लास में देखेंगे, इस पे देखने का टाइम नहीं है। क्लास में आइए दिखाइए लैपटॉप लाकर। ओके सर। क्या हुआ प्रगति कुमारी? सर स्टार्टिंग से दिखाइए ना, पिछले क्लास में नहीं थे। ये रहा सर, ऊपर कीजिए। नेक्स्ट। यस ये रहा। नेक्स्ट सर। ये लास्ट है सर। फर्स्ट स्लाइड करिए ना। कौन बोली? सर पूनम कुमारी। यही काम रह गया है मेरा, तुम प्रीवियस क्लास में नहीं थी। अभी जस्ट मैंने जब ये किया तो उस समय तुमको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था ना। सॉरी सर। चलो लो जल्दी। कल फर्स्ट ही ना छूटा है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। यस सर। सेकंड स्लाइड करिए ना। चलो हाँ कौन? कोई प्रोसेस अबॉर्ट होता है, कैंसिल होता है तो उसमें इवेंट फायर होता है। से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो उसमें देखता है, एक देता है हाँ तो उसी पे तीन और तीन बटन रहता है, एक अबॉर्ट रहता है, एक कैंसिल रहता है और एक और रहता है। अबॉर्ट करने का मतलब वही होता है। हो गया? यस सर हो गया। ये थर्ड स्क्रीनशॉट है, 48 लाइन्स है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एक चीज। मैं अगर इसमें अगर बताना चाहता हूँ तो देखो, अगर इवेंट से समझ लोगे तो एक दो बता ही देते हैं, ठीक है। ये जो आप राइट साइड में ये जो आउटपुट आप देख रहे थे, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ शो करना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम CSS का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम चलते हैं कोडिंग पे। यहाँ पे कोडिंग में देखो, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले मैं आईडी बना लेता हूँ। CSS styles, तो स्टाइल यूज किया राइट। स्टाइल में मैंने यहाँ पर दिया है आईडी। आईडी बना लो, किससे बनता है? हैश सिंबल से। आईडी में मैंने दे दिया है, फर्स्ट वाला नेम है तो मैंने यहाँ पर दे दिया
ठीक है, माई नेम, ये आईडी बना हुआ है। इस आईडी में मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 20 पिक्सल, राइट, ठीक है। कलर दे दिया रेड, ठीक है। मान लो कि एक आईडी मैंने बनाया है, अब इसको मुझे यूज करना है, ठीक है। अब हम यहां पर नेम इज एम्प्टी मैसेज नहीं देना चाहते, ठीक है। अब इसके जगह पे देखो क्या हम देना चाहते हैं, ध्यान दो। और सबसे पहले यहां पर जहां पे शो करना चाहिए राइट टेक्स्ट बॉक्स, जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके राइट साइड में आना चाहिए, जस्ट सामने, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर आना चाहिए, अगर नेम इज, अगर नेम ब्लैंक है तो आप जो प्रिंट करा रहे थे नेम इज ब्लैंक अलर्ट बॉक्स में आ रहा था ना, आप राइट साइड में यहीं पे शो कर देना चाहिए नेम इज ब्लैंक। तो यहां पर एक स्पैन टैग होता है, कौन सा टैग होता है, स्पैन टैग, हाँ, न्यू लाइन जनरेट नहीं होगा। तो आप यहीं पे ये टीडी नेम है, ठीक है, इसी टीडी के अंदर मैंने देखो यहां पर दे दिया स्पैन, लिख दिया, क्या लिख दिया, SPN, ठीक है। और स्पैन आईडी आपने क्या बनाया है, क्या दिए हो आईडी, माय नेम, माय नेम दिया है, राइट, माय नेम दिया है। अब यहां पर देखो क्या होगा, माय नेम अगर मैंने दिया है तो यहां पे, ठीक है, और स्पैन को आप क्लोज कर दो, स्पैन को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, स्पैन को क्लोज कर दिया गया, अब जो यहां चीज लिखे थे हम लोग ये नेम इज एम्प्टी, अब वहां आना चाहिए नेम इज एम्प्टी, वहां पे आना चाहिए। तो एक होता है कहीं पार्टिकुलर जगह पे पार्टिकुलर प्लेस पे लिखने के लिए इनर एचटीएमएल, कौन सा एट्रीब्यूट आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी का, इनर एचटीएमएल एक एट्रीब्यूट का नाम है, देखो मैं यूज कर रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर आईडी दे दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में मैंने यहां पर दे दिया, क्या आईडी नेम था, माय नेम ना, माय नेम डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल कैपिटल होता है, याद रखना ये प्रॉपर्टी है इसका। अब क्या वहां पर मैसेज प्रेस आउट करना चाहिए, नेम इज ब्लैंक, नेम इज ब्लैंक, जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो मैसेज ये आना चाहिए नेम इज ब्लैंक। और वही चीज जो अगर इनवैलिड नेम वाला, जब डेटा वैलिडेट होगा तो यहाँ पर दिए हो ना इनवैलिड नेम, तो इसको कमेंट सेक्शन में मैंने बनाकर कंट्रोल भी, और मैंने यहाँ पर दे दिया इनवैलिड नेम ना, यस सर, इनवैलिड नेम, ठीक है, इनवैलिड नेम, सेमी कॉलन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, अब रन करा के तुम देखो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया जाए, राइट, रजिस्टर बटन पे क्लिक करें ना, आया मैसेज नेम इज ब्लैंक, ठीक है, लेकिन जब इस पे हम इंटर करेंगे तो वो हट जाना चाहिए ना,
वो क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि इवेंट पे करेंगे, क्या करेंगे, इवेंट पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब ये चीज लिखूं, ठीक है, जैसे टाइप कर दूं, तो ये मैसेज फिर से हट जाना चाहिए। तो अभी तो मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको इवेंट बताया ही नहीं है, ठीक है, कि जैसे इसमें अब टाइप करने लगे तब हम नेम कहाँ ब्लैंक है, नहीं ना ब्लैंक है। या फिर वो भी कर सकते हैं कि जब इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तो अब वो तो सही है, यूजर नेम इज एम्प्टी, लेकिन ये मैसेज तो रह गया। अब ये मैसेज हट जाना चाहिए था ना, अब ये मैसेज क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। अब अगर नेम हम यहाँ पर इंटर करते हैं, जैसे मैंने नेम में दे दिया 123, तो क्या मैसेज देना चाहिए, इनवैलिड, आ गया इनवैलिड नेम। लेकिन अब अगर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करे तो ये क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ये भी हो। तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप फोकस कीजिएगा तो वो चीज हट जाना चाहिए। इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि स्मूथली बनाने के लिए, प्रॉपरली बनाने के लिए हम लोग इवेंट में मैं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। सभी के लिए मुझे करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। यहाँ पर केवल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप कहीं यूज करना चाहते हैं तो ये चीज कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल वाला ऐसे यूज करते हैं। याद रखिएगा, उस समय आप मुझे याद दिलाइएगा जिस समय हम इवेंट बताएंगे, ठीक है, वहां पे मैं इसी फॉर्म को डिजाइन कर दूंगा। ऊपर में हम लोग लिखे थे ये चीज, माय नेम आईडी दिए, और नीचे में यहाँ पे स्पैन टैग लिखे थे फॉर्म, यहाँ पे स्पैन टैग लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके जस्ट पहले है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो ध्यान दिया जाए, स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम लोग स्ट्रिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका बहुत सारा मेथड है। एरे का भी मैंने कुछ मेथड बताया था, एरे भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है। आगे डेट पढ़ेंगे, डेट भी ऑब्जेक्ट है, मैथ पढ़ेंगे, मैथ भी ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक ही पर्पस होता है, स्ट्रिंग को होल्ड करना। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज यूज टू होल्ड स्ट्रिंग वैल्यू। डिक्लेरेशन कैसे होगा, वैर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और पैरेंथेसिस में हम लोग क्या दे दिए, वेलकम। वेलकम क्या है, स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रहा है, इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। सेकेंड वाला देखिए, वैर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है। बाद में अब ये str स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रखेगा, और मैंने str में क्या डाल दिया, वेलकम। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट से होता है। अब इस पे काम करने के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मेथड है, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट मेथड है कैरेट, इसका जावा प्रोग्रामिंग जब आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो उससे उसका मेथड मिलता जुलता रहेगा। और स्ट्रिंग से अगर पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को अगर रिट्रीव करना है, तो आपको यहाँ पे कैरेट मेथड यूज करना होगा।
जावा में जैसे मेथड लिखने का रूल है उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में भी मेथड लिखने का रूल है। जैसे पार्स इंट कैसे लिखते हैं, पी स्मॉल था और इंट क्या था, आई कैपिटल, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल रहता है याद रखिएगा, और सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है। तो कैर एट, तो ये यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। तो कैर एट मेथड का काम है किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करना। अगर स्ट्रिंग वेलकम है तो वेलकम से हम चाहते हैं कि सी को रिट्रीव करे, एम को रिट्रीव करे, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कैर एट मेथड यूज करेंगे, जो भी इंडेक्स वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी कैरेक्टर होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। यहाँ पे भैर एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एस टी आर इक्वल टू वेलकम, अलर्ट एस टी आर डॉट कैरेट, यहाँ पर क्या लिखा गया है, थ्री। कैरेट में मैंने क्या दिया है, थ्री दिया है। तो एरे का इंडेक्स, स्ट्रिंग का इंडेक्स वैल्यू भी जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो वन टू थ्री, थ्री पोजिशन पे क्या है, सी है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आया है, सी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। तो कैरेट मेथड का काम है स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करना। अब कैरेट किसका मेथड है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वेरिएबल जो आपने बनाया है एसटीआर बनाया है, तो एसटीआर के द्वारा एक्सेस होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कैर कोड एट है, ठीक है। यहाँ पे कैर कोड एट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये आपका जो भी आप वहां पे, ठीक है, कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करेंगे उसका आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, 65 सर। स्मॉल ए का आस्की वैल्यू 97 होता है, 97। तो रिटर्न आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, तो अलर्ट देखो एसटीआर डॉट कैर कोड एट, मैंने दिया जीरो पोजिशन, तो स्ट्रिंग में एसटीआर में क्या था आपका, वेलकम, जीरो कहने का मतलब क्या, डब्लू, डब्लू का आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, आस्की वैल्यू ऑफ डब्लू, जो भी डब्लू का आस्की वैल्यू होगा वो रिटर्न कर जाएगा। अगर यहाँ पर जीरो की जगह वन देते तो वहां पर क्या था, वेलकम, तो ई का आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और जस्ट हम लोग ये सारे फंक्शन को मैं यूज करके भी बताऊंगा। टू लोअर केस, एल कैपिटल सी कैपिटल, किसी स्ट्रिंग को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग टू लोअर केस लिखेंगे, ठीक है। और str डॉट टू लोअर केस, str में क्या स्टोर था, कैपिटल में अगर वेलकम है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में कर देगा, str में है ना वैल्यू, और टू अपर केस क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पर अगर हम इसको यूज करें तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फाइल न्यू, इसको मैंने सेव कर दिया स्ट्रिंग डॉट एस टी एम एल से, आपका ही फोल्डर है स्ट्रिंग डॉट एस टी एम एल, ठीक है। मैंने यहां पर क्या दे दिया, एस टी एम एल टैब लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग बॉडी टैग। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट टैग दिया, स्क्रिप्ट, ठीक है, और स्क्रिप्ट में मैंने लिखा भैर एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और मैंने एस टी आर में स्टोर कर लिया वेलकम, वेलकम, ठीक है, क्लियर। अब मैंने यहां पे यूज किया अलर्ट और एसटीआर, एसटीआर डॉट टू अपर केस, अपर केस, तो वेलकम को किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर। आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको रन करा लीजिए, कंट्रोल एस,
आप अपने फाइल में चलिए, जेएस में, और हम लोग नाम दिए थे स्ट्रिंग, आ गया वेलकम, ठीक है। अब उसी तरह से आप इसको मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। कैरेट अलर्ट, और यहां पर मैंने दे दिया str डॉट str डॉट कैरेट। मैं चाहता हूं कि वेलकम से, ठीक है, C को रिट्रीव करे, तो क्या देना होगा, 0, 1, 2, 3। अब इसको आप रन कीजिएगा तो क्या आउटपुट आएगा, 3 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, C है। आप देखिए आ गया C, है ना C, ठीक है। कैर कोड एट था, इसको भी मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा और मैंने यहां पर दे दिया अलर्ट str डॉट कैर कोड एट में मैंने हम चाहते हैं कि ASCII वैल्यू, ठीक है, C का देखे, तो स्मॉल ए टू जेड का क्या होता है, 97 से लेकर 122 तक, 99 देगा ना, इसका ASCII वैल्यू क्या देगा। अच्छा यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू डालो, क्या डालना है, इंडेक्स वैल्यू, सी का इंडेक्स तो 3 था, तो 3 पोजीशन पे सी है, तो सी का ASCII वैल्यू 99 देना चाहिए। रन करा के देखिए, आ गया 99, ठीक है। यस सर, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आगे टू लोअर के उसी तरह से इंडेक्स ऑफ किसी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये इंडेक्स ऑफ जो है ये किसी भी कैरेक्टर का, जो कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करेंगे उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए तो फिर मैं लिख रहा हूं, इसको मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया और फिर मैंने यहां पर लिखा अलर्ट, और क्या लिखा, str डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ था ना, इंडेक्स ऑफ, हम चाहते हैं इंडेक्स ऑफ रिटर्न कराना सी का, तो कैरेक्टर सिंगल कोट में होता है सी दे दिए, क्या इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, सी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 रिटर्न करेगा। देखिए आया 3, राइट। आगे बढ़िए, सब स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। हम चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग से सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करे, हम चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग से सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करे, ठीक है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव अगर करना चाहते हैं, यहां पे आइए कोडिंग पे, अगर मैं लिखूं, अगर मुझे एक कम को रिट्रीव करना है, कम को, तो चलिए देखिए यहां पर लिख रहे हैं, फर्स्ट को आपने कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, और यहां पर देखिए अलर्ट, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा str डॉट क्या था मेथड, सब स्ट्रिंग में सब स्मॉल होता है, सब स्ट्रिंग। अब देखो तो
कम को रिट्रीव करना है मुझे, तो सी का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? जीरो से काउंट करो, जीरो वन टू थ्री, तो थ्री दे दिए। अब लास्ट नहीं देना है, कहां तक रिट्रीव करना है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स केवल देकर छोड़ दीजिएगा तो वहां से स्टार्ट करेगा और सारा कैरेक्टर लास्ट तक दे देगा ना। अगर लिखा हुआ रहता वेलकम टू पाइथन या वेलकम टू जावास्क्रिप्ट तो आउटपुट क्या आ जाता, कम टू जावास्क्रिप्ट, क्या आ जाता, कम टू जावास्क्रिप्ट। हाँ हाँ, अब आप रन कराइए। आया कम, ठीक है। अब बताओ सीओ को मुझे रिट्रीव करना है, किसको रिट्रीव करना है, वेलकम में सीओ है तो यहां पर एक चीज इसको रहने देते हैं और यहां पर इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल। अब थ्री दे दिया स्टार्टिंग, सी का स्टार्टिंग क्या है, सी का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू थ्री ना। और दूसरा देते हैं लेंथ, दूसरा क्या देते हैं, लेंथ, और लेंथ यहां पर वन से काउंट होगा, लेंथ कहां से काउंट होगा, वन से। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है ना यहाँ पर, तो यहां पर हम क्या देंगे, फाइव देंगे, ठीक है। यही जावा में भी होता है। कंट्रोल एस, अब आप रन कराइए। सर टोटल सिक्स है। कैसे टोटल सिक्स है जी, क्या हुआ? थ्री, थ्री कहने का मतलब जीरो वन टू थ्री, सी के पास आ गए थ्री। अब सी का लेंथ काउंट करो, तो वो तक ना तुमको रिट्रीव करना है, सी से स्टार्ट करेगा और वो तक, तो वन से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव। यस हाँ, आ गया सीओ। यस सर, ठीक है। तो इस तरह से अब लेट हो रहा है, अब दूसरा क्लास है आप लोग का, ठीक है। तो आज पर हम लोग इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग यूज कीजिएगा, तब इस पे हम लोग मेथड देख लेंगे, तब इस पे प्रोग्राम बना देंगे। रन नहीं किया, देखो क्या प्रॉब्लम आया। टू अपर केस, यू कैपिटल है ना। यहाँ पे कलर चेंज नहीं है, कहाँ पे कलर चेंज है, स्ट्रिंग है ना, str = new स्ट्रिंग, जो कलर चेंज नहीं है। यस कैपिटल दो, ऊपर में भी s स्मॉल ही है, स्मॉल ही देना पड़ेगा। कहाँ, ये टाइटल के पर स्मॉल किया, ये, अरे ये तो टाइटल है जी, यहाँ तो कुछ भी आम निम कुछ भी दे देंगे तो प्रिंट करेगा, ठीक है।